लोटस आयुर्वेद इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज मैं बात करूंगा, क्या विटामिन्स के कारण भी शरीर में टॉक्सिन्स की अधिकता हो सकती है? तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अक्सर हम देखते हैं कि लोग बिना किसी डॉक्टर की सलाह के दवाएं, मल्टीविटामिन और सप्लीमेंट आदि लेते हैं, जबकि ये सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे शरीर को किसी विटामिन की ज़रूरत नहीं होती है और हम उसके सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार हम लोगों को कहते सुनते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए रोज़ मल्टी विटामिन ज़रूर लेना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका खान पान ठीक नहीं होता है और उन्हें ये डर सताता है अगर वे मल्टी विटामिन नहीं लेंगे तो वो स्वस्थ कैसे रहेंगे। ये वही बहुत से लोगों में एक कन्फ्यूजन भी देखने को मिलती है कि कहीं ये सेहत के लिए नुकसानदायक तो नहीं है। बहुत से लोग अक्सर ये सवाल भी पूछते हैं, क्या शरीर में विटामिन की अधिकता होने पर टॉक्सिसिटी भी बढ़ जाती है? क्या विटामिन शरीर में टॉक्सिसिटी बढ़ा सकते हैं? कुछ लोगों के क्वेश्चन हैं, उनका मैं जवाब दे रहा हूँ। विटामिन के कारण शरीर में टॉक्सिसिटी बढ़ती है या नहीं, इसे जानने से पहले आपको विटामिन्स को समझने की ज़रूरत है। विटामिन्स दो तरह के होते हैं, पहला पानी में घुलनशील विटामिन और दूसरा फैट में घुलनशील विटामिन। पानी में घुलनशील विटामिन में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी आते हैं। विटामिन ए, डी, ई और के फैट में घुलनशील होते हैं। पानी में घुलनशील विटामिन की ज़रूरत हमारे शरीर को दैनिक कार्यों को करने के लिए होती है। हमें रोज़ रोज़ इनका सेवन करने की ज़रूरत होती है। ये अपना काम करने के बाद हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए ये विटामिन शरीर में टॉक्सिसिटी नहीं बढ़ाते हैं। लेकिन फैट में घुलनशील विटामिन हमारे शरीर में फैट के साथ मिलकर काम करते हैं और लंबे समय तक हमारे शरीर में रह सकते हैं। ये शरीर में टॉक्सिसिटी का कारण भी बन सकते हैं। विटामिन ए और डी की टॉक्सिसिटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत से लोग डॉक्टर की सलाह के बिना इनके सप्लीमेंट लेते हैं। विटामिन्स की टॉक्सिसिटी बढ़ने पर इसके कई संकेत और लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जिन्हें समय रहते पहचान कर आप डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं। विटामिन्स की टॉक्सिसिटी बढ़ने के लक्षण क्या हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला लक्षण है आपको मतली आना, उल्टी, पेट में दर्द, दिमाग में दबाव बढ़ना, सर दर्द। किसी भी व्यक्ति को डॉक्टर की सलाह के बिना सप्लीमेंट्स या विटामिन कैप्सूल लेने से बचना चाहिए। इसके अलावा कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले एक बार टेस्ट जरूर कराएं। अगर शरीर में किसी विटामिन की कमी नहीं है तो भूलकर भी मल्टी विटामिन ना लें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिलेंगे। धन्यवाद।